We discuss about discovery of subatomic particles. Subatomic particle में Rutherford ने 1911 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया जब वो गोल्ड फॉइल पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था. उसने Rutherford ने गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया. पोलोनियम के 8000 अल्फा पार्टिकल्स थे जिसमें से ओनली 4 पार्टिकल डेविएट हुए और इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाई जे.जे. थॉम्सन इन 1897 जब ये कैथोड रेज पर काम कर रहा था डिस्चार्ज ट्यूब में. तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया. जो जे.जे. थॉम्सन जेनियस साइंटिस्ट था. उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर बाई चैडविक जब इसने बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा है. तो इसने ऑब्जर्व किया कि एक न्यू पार्टिकल नज़र आया जिस पर कोई चार्ज नहीं थी लेकिन उस पर जो मास था और उसका मास 1 प्रोटॉन या 1 हाइड्रोजन एटम के बराबर था. तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन वाज चैडविक. तो प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन. गोल्डस्टीन कैथोड रेज पर काम कर रहा था. तो उसने परफोरेटेड प्लेट यूज़ की और एनोड रेज को ऑब्जर्व किया और उस पर देखा कि प्लस चार्ज है और उसने उसका नाम रखा प्रोटॉन. प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट. और ये अल्फा पार्टिकल को जब बेरिलियम से पास करवाया तो यहाँ पर हमें प्रोटॉन डिस्कवर होते हुए नज़र आ रहा है. और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. मास इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होती है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होती है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होती. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10953 × 10⁻²⁸ ग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67265 × 10⁻²⁴ ग्राम. न्यूट्रॉन का मास 1.6749 × 10⁻²⁴ ग्राम्स. और इसी तरह से अगर AMU में देखा जाए एटॉमिक मास यूनिट में तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है 5.486 × 10⁻⁴ और प्रोटॉन का मास है 1.0073 एंड न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.008.